हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो एक छोटी सी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे व्यूवर्स, यानी मैं तो नहीं गया था समाज कल्याण विभाग ऑफिस, मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो बाकी जितने भी हमारे व्यूवर्स थे लगभग आज 3 से 4 बच्चे गए थे आज, मतलब अपने विभिन्न विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में। ऐसे नहीं थे कि तीनों लोग एक ही डिस्ट्रिक्ट में गए थे। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर आज मुझे मैसेज किया था कि सर, आज मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के समाज कल्याण विभाग ऑफिस गया था, मेरी उनसे क्या क्या बातें हुई हैं उन्होंने बताया। तो उन्होंने जैसा बताया है मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। उन्होंने मेरे पास कॉल भी किया था। तो अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने हमसे ये बताया कि सर, जब मैं समाज कल्याण विभाग ऑफिस गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बजट वाकई में खत्म हो गया है, अब जो है हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ 50% से थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों की सिर्फ स्कॉलरशिप आई है, अभी लगभग 50% बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि हम लोग, अगर मैं बीएड के ही बच्चों को अगर मैं उठा लूं तो 52,000 रुपए जो है बीएड के बच्चे फीस जमा करते हैं, और अब की बार जो स्कॉलरशिप आई है वो 32 से लेकर 33,000 आई है। यानी एक बच्चों की फीस में ही अगर हम बात करें तो 20,000 रुपए कम आई है सभी की, और लगभग 50% बच्चों की ही जो है स्कॉलरशिप दे पाए हैं वो। ठीक है, और पता नहीं कितना नियम लगा दिए कि इतने इनका नहीं आएगा, इतने परसेंट का नहीं आएगा। यानी हम ही लोगों के पैसे को ये देना नहीं चाहते, ठीक है, और दिया नहीं, और बजट बता दिए खत्म हो गई। आधे बच्चों को भी नहीं दिया, स्कॉलरशिप भी आधी दे रहे हैं और खत्म हो गया। तो आज जो है 2-3 बच्चे जो गए थे समाज कल्याण विभाग ऑफिस, उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सच में बजट खत्म हो गया है, क्या अब हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तो इस पर समाज कल्याण विभाग ने यह बताया है कि हाँ, ये बात सही है कि बजट जो है खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अभी बजट जो है बचा हुआ है, और जैसा कि मैंने आपको परसों की वीडियो में बताया था कि सिर्फ अभी जो है बजट एससी वालों का खत्म हुआ है, और वो भी किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में खत्म हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं खत्म हुआ है। तो किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की अभी भी एससी वालों की भी स्कॉलरशिप आ सकती है। ठीक है, तो अब वो डिस्ट्रिक्ट क्या, ये जो एससी की बात हमने किया था, ये प्रयागराज की मैंने बात किया था कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में एससी बच्चों की जो कितने भी कैंडिडेट हैं उनका बजट खत्म हो चुका है, बाकी जनरल ओबीसी और एसटी की जो है बजट अभी भी है। तो उन्होंने ये बताया बच्चों से, उन्होंने ये कहा है कि हाँ, बजट जो है अभी खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन खत्म हो जाएगा जल्दी, क्योंकि ज्यादा बजट जो है बचा नहीं है और स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो उन्होंने ये तो कहा है भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं खुद समाज कल्याण विभाग जब गया था तो हमसे भी यही कहा गया था कि आप 15 अप्रैल तक वेट करिए, जिनकी भी कमियां हैं वो दूर की जा रही है और 15 अप्रैल तक स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो उन्होंने कल भी यही कहा कि आप लोग 15 अप्रैल तक वेट कर सकते हो, अगर स्कॉलरशिप आनी होगी तो आ जाएगी। तो कहने का मतलब छोटी सी जो है एक राहत तो मिल ही गई है, जैसा कि हम लोगों को लगा था कि पूरी स्कॉलरशिप का बजट खत्म हो चुका है और अब किसी की नहीं आएगी। अब देखते हैं उन्होंने जो कहा है उस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या 1-2 दिन में किसी की स्कॉलरशिप आती है। मेरे सभी व्यूअर से बस छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आज या कल में किसी की भी आई है तो प्लीज कमेंट करके ये बता दीजिए कि हाँ, मेरी स्कॉलरशिप आज या कल में आई है, और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और किस क्लास में हो, बीएड में हो, डीएलएड में हो, किस में पढ़ते हो, एमए में हो, पीजी हो, यूजी हो, जहां भी हो, आप प्लीज इतना चीज जरूर लिख लीजिए ताकि और भी बच्चे जो है अपडेट हो सकें। ठीक है, तो इतनी न्यूज थी। बाकी हम लोग क्या दिक्कत है, 9 तारीख हो ही गई है, 15 अप्रैल तक हम वेट कर लेते हैं। बाकी कुछ बच्चे जिनके कॉलेज में लगभग लोगों की स्कॉलरशिप आ चुकी है, तो आप प्लीज अपना अकाउंट चेक करते रहिए समय समय पर, ताकि आपको हर एक अपडेट मिल जाए। बाकी ये चैनल आपके साथ लगा हुआ है, आपके साथ मेहनत, इतना ये मान लीजिए कि जितना ज्यादा आप डिसअपॉइंट हो उससे कहीं ज्यादा मैं डिसअपॉइंट हूं, क्योंकि जब से स्कॉलरशिप का जो है फॉर्म आपका भरा जा रहा है, ये चैनल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। और यकीन मानिए, मैं यही चाहता था कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों की लगभग स्कॉलरशिप आ जाए, भले ही कम आए लेकिन आ जाए सभी लोग। अगर 50,000 फीस जमा की हो तो चाहे 25,000 स्कॉलरशिप आए, लेकिन आए सभी की जरूर। लेकिन क्या हमेशा, देखो अब की बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता था कि जो स्कॉलरशिप होती थी वो सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाता, हर बार बजट बीच में खत्म हो जाता था। लेकिन मैं ये चाहता था कि कम से कम 80-90% बच्चों की स्कॉलरशिप तो आ जाए। कमेंट मेरा आप पढ़ लो, सभी लोग मेरे हर एक वीडियो का कमेंट पढ़ लो, इतने बच्चे मैसेज लिखते हैं सर मेरी नहीं है। सच बताऊं, कमेंट पढ़ने का मन नहीं करता है, सही चीज़ अगर मैं बता दूं ऑनेस्टली तो, क्योंकि इतनी धूप में भी मैं समाज कल्याण विभाग ऑफिस गया परसों या नरसों, वहां पर भी बताया गया कि हाँ एससी का बजट खत्म है। मतलब जब ये बातें कह देते हैं तो एक तरीके से गुस्सा लग जाती है बहुत तेज से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, सिस्टम से टकराने की ताकत तो हम लोगों में है नहीं फिलहाल अभी। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलेगी तो तुरंत मैं आपको बताऊंगा, आज या कल में। मेरे व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि आज और कल में अगर किसी की भी स्कॉलरशिप आई है तो तुरंत कमेंट करके मुझे बता दें कि हाँ मेरी आई है, कब आई है, किस कैटेगरी से हो और किस कोर्स से हो। क्लियर है, बाकी घबराना नहीं है, और परेशानी की तो बात है ही है, बाकी 15 तारीख तक उन्होंने समय दिया तो हम 15 अप्रैल तक वेट करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।